नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों, आज मेरे सामने जो पौधा आप देख रहे हैं ये है एग्लोनिमा, जिसका दूसरा नाम है चाइनीज एवरग्रीन। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ जो है बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, इस पौधे का, इसके ऊपर ही मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप इसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं कितना अच्छा देखने में लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव है, बहुत ही सुंदर, मतलब इस पौधे का जो लुक्स है। तो आप ये जो पौधा है एक इंडोर पौधा है, आप इसको इंडोर में ग्रो कर सकते हैं, ऐसे आउटडोर में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, अगर कहीं शेडी एरिया में अगर आप इसको रखेंगे तो। तो दोस्तों, चलिए इसका जो बेनिफिट्स है इसके ऊपर ही बताऊंगा मैं एक एक करके। तो पहले जो है दोस्तों, इसका कुछ जनरल बेनिफिट्स इसके ऊपर मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा इनके इसका और क्या क्या जो कि अच्छा मतलब फ़ायदा बेनिफिट्स है इस प्लांट का। तो दोस्तों, चलिए पहला जो है मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्लांट है ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजीली इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये प्लांट बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लांट है। तो और नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास टाइम नहीं है लेकिन इच्छा रखते हैं कि गार्डनिंग का इच्छा रखते हैं कि इंडोर ब्यूटिफिकेशन का, तो ये प्लांट आप चूज़ करें, इससे बढ़िया प्लांट मतलब आपको और नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अभी जो है मैं आपसे जो मेन बेनिफिट्स है इनका वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो पहला जो है, ये जो प्लांट है एक बहुत ही अच्छा एक इंडोर एयर प्योरीफायर है। तो इस प्लांट बहुत ही जो इंडोर का जो वातावरण है उसको शुद्ध करता है, एयर का जो टॉक्सिन है, बहुत सारा हार्मफुल गैसेस है उसको ये ऑब्जर्व करता है, उसको ये कंज्यूम करता है और एयर को जो है पॉल्यूशन से मुक्त करता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है, ये एक नेचुरल ह्यूमिडिफायर है। तो आप इस प्लांट को जो है इंडोर में अगर रखेंगे तो ये नेचुरली जो है आसपास जो है ह्यूमिडिटी को जो है मेंटेन करता है। नेक्स्ट जो है, इस प्लांट को जब आप इसको इंडोर में रखते हैं तो इसमें से जो पॉजिटिविटी है वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो बेनिफिट है, आप इसको जो है एक इंडोर ब्यूटिफिकेशन के लिए ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छा है आपका। आप जो भी इंडोर डेकोरेशन है, अगर इस प्लांट को भी आप ऐड करते हैं तो जहाँ पे भी आप इसको प्लेस करेंगे इंडोर, उसी एरिया में जो है इसका एक अलग से ब्यूटी मतलब निखर के आता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है, ये प्लांट जो है एक लकी प्लांट माना जाता है, तो ये गुड लक का जो है एक प्रतीक है। अगर आप इसको ग्रो करते हैं अपने गार्डन में या घर पे, तो इस माना जाता है कि ये गुड लक मतलब लेके आते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लांट जो है एक टॉक्सिक प्लांट है, आप इसको बच्चे से और पेस्ट से दूर रखिए तो अच्छा है। तो ऐसे मतलब जगह पे रखिए जहाँ पे इनकी पहुँच से बाहर हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये एग्लोनिमा प्लांट के बारे में, इनके बेनिफिट्स के बारे में जो मैंने आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।